आपको गर्मी के लिए एक छोटा सा ये फ्रिज भी मिल जाएगा, अभी बहुत काम आ रहा है समझिए कि इससे श्योर नहीं है, आपको चांस नहीं लेना है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है अभी पाटिया में, और मेरे बैच में कि 66 बैच में जो अदर ऑफिसर्स हैं उनकी भी चल रही है, साथ साथ जो पुराने एसटीसी वगैरह हैं उन लोगों की भी ट्रेनिंग हम लोग के साथ चल रही है। जो मैंने वीडियो बनाया था इसके संबंध में उस पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार और सपोर्ट दिया था, और आप लोगों का ये था कहना कि कुछ और वीडियोज़ भी लाए ताकि हम लोग को इस तरह का मोटिवेशन मिलता रहे। तो पढ़ाई की बातें तो अलग होती ही रहेंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, यदि आप लोगों में से किन्हीं को मौका मिलेगा, खासकर 67 पास करके जो आएंगे उनको तो बहुत जल्द मौका मिलेगा, और फिर 68 69 जो भी हैं, तो इन जो आपको रूम अलॉट होगा उसका इंटीरियर व्यूज़ कैसा है, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगे वो मैं आपको पहले देखिए। यही है रूम का ओवरव्यू, इस तरफ आपको बाथरूम मिल जाएगा, पूरा अटैच्ड है सब कुछ फैसिलिटीज, तरफ के बाथरूम में आपको मिल जाएगा है कि नहीं, गीजर वीजर सब कुछ इत्यादि। और इधर जो है आपको दो बेड मिलेंगे, हालांकि हम लोगों को दो अलग अलग बेड के साथ अवेलेबल करवाया गया है। मेरे साथ जो दो लोग हैं, ये जो कपड़ा आप इतना अस्त व्यस्त देख रहे हैं इसके पीछे का रीज़न ये है कि सर्दी का मौसम है और दो लोग को एक साथ एडजस्ट किया गया है, तो इसीलिए कपड़ा इधर उधर है। उनको आरडीओ को एक साथ मेरे साथ अटैच किया गया है। आपको गर्मी के लिए एक छोटा सा ये फ्रिज भी मिल जाएगा, जब गर्मी के मौसम में आप आइएगा तो इस तरह से इसको इंस्टॉल कर पाइएगा है कि नहीं। उसके अतिरिक्त आपको दो स्टडी टेबल भी मिल जाएगा, दो चेयर भी मिलेगा जिस पर हालांकि हमने अपना कपड़ा कपड़ा रखा हुआ है। गर्मी का मौसम है तो कंबल भी एक मिलता है, लेकिन ये कंबल जाड़ा के लिए काटने के लिए उतना बेहतर नहीं है, तो हम लोग दो इस्तेमाल करते हैं कि अपने साथ जो लाए थे वो। इस तरह से एक कवर्ड भी है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कवर्ड है, कवर्ड में सारा फैसिलिटीज़ वगैरह आप अपना रख सकते हैं है ना। और इस तरफ आपको बालकनी है, इस तरह से बालकनी है, वहाँ पे आपको हालांकि कपड़ा वगैरह या सुखा सकते हैं या बात कर सकते हैं गर्मी के मौसम में, साथ ही साथ गर्मी के सामने करने के लिए आपको इस तरह का एक एसी भी दिया जाएगा है ना। और देखिए चूंकि अभी ठंडी का मौसम है तो एक गर्म पानी गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए केटल हीटर इसका इस्तेमाल, ये तो अभी बहुत काम आ रहा है समझिए कि मतलब इतना जितना ठंड है गया में ठंड पड़ती है, और आप ऑब्वियसली यहाँ पे आपको गर्मी भी उतना ही पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको ये पर्सनल कंप्यूटर पीसी, उसके बाद आपको एक टीवी इत्यादि आपको पीसी वगैरह भी करवाया जाएगा, तो इसके लिए है आपको। साथ ही साथ आपको दो कप दिया गया है कॉफ़ी पीने के लिए, चूँकि हम लोग दो हैं तो दो हमको मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर लिखा होगा पीपार्ट, लोक बिहार लोक प्रशासन ग्रामीण विकास संस्थान पीपार्ट है कि नहीं। उसके बाद ग्लास एक ये प्लेट इत्यादि आपको इस तरह से सब कुछ मिलेंगे ठीक है ना। तो जब आप लोग का यदि कम रहेगा फाउंडेशन कोर्स में तो सब कुछ साथ ही रहेगा, और यदि आप किसी सर्विस के लिए आएंगे मतलब सिंगल सिंगल आएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा रूम एक साथ अलॉट कर दिया जाएगा। इससे पहले एसटीसी लोगों को इसी तरह से पूरा का पूरा रूम एक साथ अलॉट किया गया था, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हालांकि कोशिश ये की जाती है कि छात्रों को कम से कम दिक्कत हो, मच्छर के लिए आपको देख सकते हैं कि ये भी अलॉट वगैरह इत्यादि भी मिलता है ना, लेकिन जो हेक्टिक शेड्यूल होता है ना उसके लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता इन चीज़ों को करने के लिए है ना। लेकिन जो लंबा बिताएंगे जैसे कि जिनका 15 दिन में चले जाएंगे कुछ सर्विसेज, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, इस तरह से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो लंबा बिताते हैं उन लोगों के लिए पूरी फैसिलिटी का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप लोग मेहनत करते रहिए और जल्द से जल्द आने की यहाँ पे कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग भी इन चीज़ों को देख पाएं और यहाँ से कुछ सीख कर जाएं और एक सफल अधिकारी बनके अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दें। तो थैंक यू वेरी मच, मैंने ये वीडियो देखा और उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। साथ ही साथ 68 के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 68 का मीन्स 12 फरवरी को ही शेड्यूल है, तो बहुत कम समय बच गया है, तो उसके लिए आप तैयारी जारी रखें उसकी पीटी के लिए, और इसमें घबराने की बात कोई नहीं है समझे ना। बहुत सारे बोलते हैं कि निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया तो कोई नई चीज़ तो नहीं है, खासकर मैं बिहार के स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इस 1/4 निगेटिव पे आप बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, जैसे कि आप PSSC का या फिर और भी है ना। सिलेबस वही है, सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस आपका सेम है, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। बस निगेटिव है तो जो क्वेश्चन आपको पूरे तरह से श्योर नहीं है, है ना, उस पर आपको चांस नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 80% श्योर होंगे तो 2-4 ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम करना है कि हमको नहीं आ रहा है तो बस उसको चांस नहीं लेना है ऑब्वियसली, तो अच्छा सब जाएगा, बढ़िया से तैयारी जारी रखिए।